देखिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर ए कॉन के मिरर फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरल टू तो प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस यानी अगर कोई इंसिडेंट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से पास आउट होगी सेकेंड रूल रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ कि अगर आपकी कोई इंसिडेंट रे किसमें से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने उसी पाथ को रिट्रेस करती है रूल नंबर थर्ड रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस अगर फोकस में से रे ऑफ लाइट पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर कि अगर पोल पर कोई रे ऑफ लाइट पड़ती है तो वो जितने एंगल से वहाँ पे इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल से क्या कर जाती है रिफ्लेक्टेड हो जाती है यानी आई इज़ इक्ल टू आर तो ये आपके सारे रूल्स हैं एक दिए हुए हैं आपको क्या करना है इनमें से जो आपका फोर्थ रूल है आप इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे ओनली यू यूज रूल नंबर वन रूल नंबर टू रूल नंबर थ्री एंड नॉट यूज़ द रूल नंबर फोर क्योंकि जो आई और आर है इनको मेज़र करने में आपको टाइम लगेगा तो इमेज फॉर्मेशन में आप किन्हीं भी दो रूल्स को यूज करके इमेज फॉर्मेट कर सकते हो ओके okay, बेटा